पद नहीं मिला तो भी आजीवन सपा में ही रहूंगा। शिवपाल यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान, तो आइए जानते हैं इस न्यूज के बारे में। काफी समय से चली आ रही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच की लड़ाई पर विराम लगता नजर आ रहा है। मैनपुरी उपचुनाव में सपा उम्मीदवार डिम्पल यादव की जीत के बाद चाचा भतीजे का रिश्ता अब बेहद मजबूत दिखाई दे रहा है। दरअसल शिवपाल यादव ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि अखिलेश ही अब छोटे नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के बाद अब अखिलेश ही सब कुछ है। सपा में घर वापसी करने के बाद अब शिवपाल यादव को पार्टी में किसी पद की चाह नहीं है। उनका कहना है कि यदि पार्टी उन्हें कोई जिम्मेदारी देती है तो वे उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे, वहीं यदि कोई जिम्मेदारी नहीं भी मिलती है तो भी वह पूरे जीवन सपा में ही बने रहेंगे और संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे और यह उनका अंतिम फैसला है। तो इस न्यूज के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।